Vardhaman Academy, an English-medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to twelfth. Smart classrooms, Wi-Fi, computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke Baba Manohar Nath Mandir kafi arse se chal rahi liya hai. रविवार रात गोस्वामी और नीलामानंद पक्ष में मंदिर की करोड़ों की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ खूब पत्थरबाजी हुई कई लोग पथराव में घायल हुए हैं इस विवाद में मंदिर की पुजारी भी बुरी तरह घायल हो गई हैं। पुलिस ने इस मामले में प्रशांत और प्रियांशु दो लड़कों को हिरासत में लिया है ये सारा मामला थाना सिविल लाइन का है विवाद में कई थानों की पुलिस तैनात रही नीलमानंद पक्ष का कहना है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये करार कर चुका है कि ये मंदिर की जमीन है उसके बाद भी गोस्वामी पक्ष अलग अलग अदालत में जाकर केस दायर कर रहे हैं और जमीन पर कब्जे की मांग कर रहे हैं देखिए मंदिर की पुजारी ने हमारी संवाददाता नीलो अंसारी को क्या जानकारी दी इस वक्त हम मौजूद हैं मनोहर नाथ मंदिर जहाँ पर कल जमकर विवाद हुआ और माता जी की हालत आप देख सकते में किस किस कदर इनको ज़ख्मी किया गया है माता जी कब से विवाह चल रहा है और क्या क्या हुआ कल आपके साथ ये देखिए ये हमारे यहाँ सारे जाल तोड़ दिए गए हमारे पिछले पंद्रह साल से यज्ञ होता है रामलीला होती आई है चालीस सालों से रामलीला में भी इन्होंने बहुत विवाद उत्पन्न किए अभी गेंद की तरीके से उछालेंगे हम कब्जा ले लेंगे तुम्हें फाड़ देंगे पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते आ रहे हैं असल में वो चाह क्या रहे हैं जमीन पर यही तो वो यही समझ में नहीं आ रहा कि वो चाह रहे हैं कभी कहते हैं हमारे पूर्वजे आज ये मालिक मुझे समझ में नहीं आता कौन से कागज उत्पन्न कर लिए जिससे ये मालिक बन गए और ये हमें रोज आना, इनका सुबह शाम ये सात आठ जने हैं दस जने ये आके हमें परेशान करते अच्छा, हैं अच्छा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है पुलिस कार्रवाई पुलिस की कोई चलती नहीं है पुलिस के यहाँ हम एसएसपी साहब के जाते हैं एसएसपी साहब कह देते हैं आप चिंता ना करो उन्होंने पुलिस पिकट लगा दी है तो ऐसा नहीं है वो ये चाह रहे हैं कि अयाशी का अड्डा बनाएंगे यहाँ पे अच्छा। समझ गए नाइबर तो मंदिर बंद करना चाह रहे हैं बोली अपने बंद हाँ वो तो ये कह ही मंदिर को तोड़ेंगे अब हम बनाएंगे मंदिर इसने बहुत देख लिया अब हम मंदिर खुद देखेंगे अच्छा खुद बनाएंगे हाँ खुद बनाएंगे बताइए जो हम ये योगी जी से हमारी गुजारिश है की वो पांच करोड़ लगा के श्री राम मंदिर बना रहे हैं पांच सौ साल पुराने मंदिर को बचा यह उनकी पुरानी धरोहर है क्रांति का शहर जाना जाता है जिस नाम से ये मंदिर है कम से कम इस धरोहर को तो बचा इसे बिकना न दें हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट इस दौरान मंदिर में पूजा करने आए लोगों ने भी जानकारी दी अच्छा जब यहाँ पे पथराव हुआ पत्थरबाजी की गई विवाद मौजूद थे यहाँ पर हर रात हम आए थे पर, नहीं थे, आपके सामने हुआ है सब कुछ और क्या सब कुछ हमारे सामने रोज की एक दिन आ, ए, इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा था आ, मैंने नुक मंडलेश्वर का पद ले रखा ये सन्यास बन रही है तुम्हारे मुंह से गंदी गाली अच्छी नहीं लगती है तो गैली ने अपने आदमी बुला लिए अपने सोमवती नाम की है हर वक्त गाली देवे और चप्पल ठाकर दिखावे पैर में से के हमने कही जब तक तो ने महामंडलेश्वर का संन्यास के कपड़े पहन लिए मैंने कही उससे तो तो अच्छी नहीं लगती मगर ये तो आम आदमी देख रहे हैं तो उन्हें गहली अपने हाथ में बुला लिया उन्होंने इतनी गंदी 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 गाली तो मैं बता नहीं सकती ना नजर अच्छा, देने अच्छा के हाँ नहीं आते हाँ ही हैं वे रोज ही आ रहे हैं छह सात महीने से, च्छा से।, च्छा से। च्छा सर आपके सामने हुआ ये मौजूद नहीं मैं मौजूद नहीं था मैं तो पूजा करने के लिए आता हूँ लेकिन जिस तरह का विवाद है पिछले चालीस साल से कोर्ट मुकदमा चल रहा है तो जो लोग यहाँ पे है जैसे माता जी रहती है पुजारी है वो पूजा करती है अगर मंदिर में हम लोग पूजा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे दूसरा ये है कि अगर कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट में है तो कोर्ट के हिसाब से चले ना अब इस तरह से बदमाशी दिखा के लाठी डंडे ला करके पूरा आपने देखा सुबह जब मैं आया तो मैंने देखा कि साफ सब जगह फैला हुआ है और चोटें लगी हुई है हैं सब लोगों को मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए है क्या दरअसल पुलिस भी आती है एक दिन और भी हम लोग बैठे हुए थे उस दिन ट्रस्ट की मीटिंग थी हम लोग आए थे पुलिस आई पुलिस ने आके सबको खदेड़ दिया हमारे से मीटिंग नहीं होने दी तो ये जो सिविल थाना है वो पुलिस आती है वो सारी की सारी पुलिस एक तरफ फेवर करती है वो सही गलत नहीं देख रहे लेकिन अगर एस के पास आप जाते हैं तो वो क्या आश्वासन देते दे एस एस पी साहब भी गए तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोई नहीं आप यज भी करेंगे और आपके जो लोग तो हैं वो भी छूट, भी छूट भी तो जाएंगे भी रही रही लेकिन उसके उसके बाद बाद भी हम लोग गए थे थाने जब जायेंगे तो उन्होंने फिर से डंडे दिखा के भगा दिया गया पुलिस वालों ने पुलिस वालों ने पहले पुलिस आपका साथ नहीं दे रही वो एक तरफ एक तरफ की बात कर एक तरफ की कार्रवाई हो रही है जैसा की आपने देखा गोस्वामी और नीलमानंद में जो विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है काफी दिनों से विवाद सुनने में आ रहा है लगातार लेकिन

निकट नानुकी नहर कावड़ मार्ग सरधना मेरठ